हाँ सर, मैं चेतन मिश्रा समाज से बात कर रहा हूँ, लखनऊ से। अरे ये आपके फरुखाबाद वासी है, बताइए अपनी प्रॉब्लम, बताइए फटाक से बेन साहब को। सर हेलो हेलो जी जी नमस्ते सर जी जी सर, ओके मैं फरुखाबाद से बोल रहा हूँ। कतराना मोहल्ला सर, हमारी दादी की तबीयत नहीं सर, उनको ऑक्सीजन जरूरत है। कल सर ठीक लोहिया है। अस्पताल, ऑक्सीजन ऑक्सी सुनिए, ऑक्सीजन बिल्कुल खत्म हो गई है। लोहिया हॉस्पिटल में 5 लोगों की डेथ हुई है। हमारे पे कोई ऑक्सीजन नहीं है। L2 में ऑक्सीजन देर रात तक खत्म हो जाएगी, तो बड़ी समस्या है। अभी ऑक्सीजन आती आती नहीं दिखाई दे रही सर। नहीं, हाँ सुनिए डीएम साहब, सुनिए हमारी बात। इनको आप सिलेंडर की व्यवस्था करा दीजिए, रिफिलिंग का मैं यहाँ लखनऊ से बैठ करके मैं इंतजाम करवा रहा नहीं, हूँ। आपको आपको समझ नहीं आ रहा बात को। मैं कह रहा हूँ यहाँ ऑक्सीजन ना होगा डेथ हो रही। आप कह रहे हैं सिलेंडर व्यवस्था करा दी नहीं, है, आप कैसे कह रहे आप हैं? आप व्यवस्था करा देंगे। मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि कहीं पे ऑक्सीजन और सिलेंडर कमी नहीं, आप किस हिसाब से बात कर रहे हैं? आप किस तरीके से, किस भाषा में बात कर रहे हैं, पहले तो मुझे ये बताइए। आप सुन पा रहे हैं मेरी आवाज? हेलो आपकी शब्दावली क्या है? इस तरीके से आप भड़का करके, डांट करके जो बात कर रहे हैं मरीजों से, तो आपके फरुखाबाद के लोग कैसे, किससे आस लगाएंगे फिर? डीएम साहब, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, चेतन मिश्रा समाज से भी मेरा नाम है, मेरा फोन नंबर है, लिख लीजिए, और कोई दिक्कत हो तो बताइए। मैं मुख्यमंत्री जी के यहाँ फोन लगा के कॉन्फ्रेंस पे कराऊ आपकी बात। किस तरीके से आप बात कर रहे हैं मरीज से? हेलो, भैया, हमें लगता फोन काट दिया। नहीं, फोन कॉन्फ्रेंस पे है। ये जो बदतमीजियां चल रही है ना डीएम साहब, ये अच्छी बात नहीं है। ये बिल्कुल आप गलत व्यवहार कर रहे हो एक एक मरीज के साथ में। मैं इनकी शिकायत मुख्यमंत्री ऑफिस में करवा रहा हूँ, फिर मैं भी करवा रहा हूँ सर। अब रिकॉर्डिंग अभी अब मैं भेज रहा हूँ कि रिकॉर्डिंग मैं भी कर रहा हूँ। अविनाश जी की टीम को आपको भेज रहा हूँ रिकॉर्डिंग। डीएम साहब, जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं, लोगों की मदद नहीं कर रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। हम यहाँ लखनऊ से बैठ करके, आप ये मददगार लोग हमारे पास फोन कर रहे हैं कि हमको किसी चीज का पैसा मिल रहा है यहाँ पे? आप लोग इस तरीके से व्यवहार करते हो कि मतलब सुन रहे हो फिर भी उसके बाद नहीं आप बात कर रहे हो? अगर इसकी माँ, इसका दादी अगर खत्म हुई ना, तो उसके जिम्मेदार आप हो गए। मैं आपके खिलाफ मुकदमा लिखवाऊंगा। डीएम साहब, लिख के रख लीजिए आप। मैं फरुखाबाद डीएम साहब से मदद की गुहार लगा रहा था, एक पीड़ित के लिए, फरुखाबाद निवासी के लिए। एक सिलेंडर के लिए मैंने बात किया, तो डीएम साहब का कहना था कि हमारे पास कोई भी किसी तरीके की गैस नहीं है, सिलेंडर नहीं है, और 5 लोग मर चुके हैं, और आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोग किस तरीके से बात कर रहे हो। जब मैंने उनको अपना परिचय बताया कि मैं समाज सेवी हूँ, मैं लोगों की मदद कर रहा हूँ, आप इतना कर दीजिए कि एक सिलेंडर की व्यवस्था करा दीजिए इस मरीज को। मैं यहाँ लखनऊ से किसी न किसी माध्यम से समाज सेवकों से बात करके मैं उसको गैस मुहैया करा दूंगा, रिफिलिंग करा दूंगा। तो उन्होंने बड़ी अभद्र तरीके से व्यवहार किया मुझसे, और उन्होंने बोला कि आप लोग समझ नहीं रहे। उसके बाद उन्होंने फ़ोन किनारे रख दिया, और फ़ोन कॉन्फ्रेंस पे था, और फ़ोन पे वो बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे थे। अब मैं उत्तर प्रदेश सरकार और माननीय योगी आदित्यनाथ जी से बस इतना ही निवेदन करूंगा कि सर, इनको जितनी जल्दी हो सके इनके जैसे अधिकारियों को सस्पेंड किया जाए, ताकि आम जनमानस को कोई तकलीफ ना हो। कहीं से भी आपने मुझे प्राप्त हुआ था कि सारे डीएम के नंबर मुझे मिले थे, और जब एक असहाय व्यक्ति था जिसने मुझे 3-4 घंटे लगातार कॉल किया, जब कहीं से मदद नहीं मिल पाई, तो मैंने सोचा कि मैं वहाँ के डीएम साहब से बात करूँगा, फरुखाबाद के डीएम साहब से बात करूँगा, और उनसे मैं सामान या उसको सुविधा मुहैया करवा दूंगा। पर डीएम साहब का इस तरीके से व्यवहार मेरे सामने और आम जनता के लिए दिखाया गया, उसके लिए मुझे बहुत दुख हुआ। इस वजह से मैंने अपने फेसबुक पे एक ऑडियो डाला, और उस ऑडियो को आप लोगों ने शेयर किया, वायरल किया। मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूँ, और अपने मीडिया भाइयों के माध्यम से मुख्यमंत्री तक ये पहुँचाना चाहता हूँ संदेश कि मानवेंद्र सिंह जैसे लोगों को, आईएएस हैं, डीएम हैं फरुखाबाद के, इनके जैसे लोगों को कार्यशैली इनकी अच्छी नहीं, इसलिए इनको सस्पेंड किया जाए, पूरी जनता की मांग है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।